न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में बारिश ने रोक ली हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी, वरना टीम सऊदी के एक ओवर में ही लगा दिए थे उन्होंने 24 रन और अब तोड़ दिया टी20 इतिहास का ऐसा बड़ा रिकॉर्ड जिसको रोहित शर्मा, विराट कोहली और वीरेंद्र सहवाग तो छोड़ो, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना तक नहीं कर पाए। आखिर क्या रिकॉर्ड है ये जो हार्दिक ने तोड़ा, वो सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट कर बताइएगा कि हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन अच्छा बल्लेबाज है। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आखिरकार भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टी20 श्रृंखला अब खेली जा चुकी है और दोस्तों खुशखबरी ये है कि टीम इंडिया ने 1-0 से सीरीज को अपने नाम कर लिया है। दरअसल पहला टी20 मुकाबला जो की बारिश के चलते रद्द हो गया था, तो वही दूसरे टी20 मुकाबले में नतीजा आया और सूर्य कुमार यादव के शतक की बदौलत टीम इंडिया ने मैच जीतकर 1-0 से अजय बढ़त हासिल कर ली थी और अब तीसरा टी20 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। लेकिन भारत को क्या, मैच तो बारिश के चलते ड्रॉ नतीजे के साथ घोषित किया गया क्योंकि टीम इंडिया ने इस मुकाबले में 9 ओवर होते होते 75 रन बना लिए थे और DLS मेथड के द्वारा भारतीय टीम ने बराबरी कर ली थी न्यूजीलैंड के स्कोर की, जिसके चलते इस मुकाबले को ड्रॉ पर समाप्त किया गया। हालांकि दोस्तों मैच रोमांचक था क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारी टीम के गेंदबाज अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज ने 4-4 विकेट लेकर 160 रन पर ही रोक दिया था और फिर टीम इंडिया जब बल्लेबाजी के लिए आई थी तो हार्दिक पांड्या ने कप्तानी पारी खेली और इस दौरान अकेले दम पर वो जीत भारत को दिलाने के लिए निकल पड़े थे क्योंकि यहाँ ईशान किशन जो कि 10 रन बनाकर ही आउट हो गए थे, तो वहीं ऋषभ पंत 11 रन पर ही पवेलियन लौटे। फिर सूर्य कुमार यादव और सुरेश अय्यर भी अच्छी साझेदारी कर नहीं पाए, जहाँ सूर्य कुमार यादव 13 रन बना सके लेकिन यहाँ पर एक छोर पर हार्दिक पांड्या टिके हुए थे और जब तक ये रहते टीम इंडिया की जीत निश्चित थी मुकाबले में। हालांकि हम आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने आज के मुकाबले में 18 गेंदों में 30 रनों की पारी खेली और अपनी 30 रन की पारी में उन्होंने 3 चौके और 2 बड़े छक्के भी लगाए। हालांकि दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कारनामा तो उन्होंने एक ही ओवर में कर दिया था। दरअसल बारिश शुरू होने से ठीक पहले 5वें ओवर में ये कारनामा टीम सऊदी के ओवर में हार्दिक पांड्या ने किया, जहां उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाकर सभी को चौंका कर रख दिया कि टीम सऊदी जैसे महान दिग्गज गेंदबाज की गेंदों पर हार्दिक पांड्या ये क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने एक ही ओवर में 24 रन बटोर लिए थे और हम आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने एक ओवर में ये 24 रन बटोर कर एक बड़ा कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। दरअसल टी20 में ऐसे बहुत कम ही बल्लेबाज हैं जो कि टीम सऊदी के खिलाफ इतने रन एक ओवर में बना पाए हो और दोस्तों उसमें अब हार्दिक पांड्या भी शुमार हो चुके हैं। हालांकि हार्दिक पांड्या से पहले विराट कोहली सूची में शामिल थे जिन्होंने टीम सऊदी के एक ओवर में 20 रन बनाए थे और वहीं रोहित शर्मा का भी नाम इस सूची में था जिन्होंने 18 रन की पारी खेली थी, लेकिन अब हार्दिक उनसे ऊपर जा चुके हैं। हालांकि हम आपको ये रिकॉर्ड इसलिए बता रहे हैं क्योंकि टीम सऊदी दुनिया के ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा टी20 में 134 विकेट हासिल किए हैं और इनसे आगे कोई भी अब तक टी20 में निकल नहीं पाया है, तो ऐसे गेंदबाज के आगे अगर रन कोई मारेगा तो रिकॉर्ड में तो शुमार होगा ही वो। तो वही बात करें अगर आगे बढ़ते हुए अगले रिकॉर्ड के बारे में, तो दोस्तों अगला रिकॉर्ड जो हार्दिक पांड्या ने तोड़ा वो ये था कि आज उन्होंने जैसे ही 30 रनों की पारी खेली बारिश से पहले, तो उन्होंने 1160 रन अपने टी20 क्रिकेट करियर में पूरे कर लिए और उन्होंने इस मामले में श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज के 1148 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और इतना ही नहीं उन्होंने क्राइग इरविंस के 1132 रनों के रिकॉर्ड को भी तोड़ के वो उनसे आगे निकल चुके हैं, जहां हार्दिक पांड्या ने ये कारनामा कर पूरे विश्व में अब अपना नाम और ऊंचे स्तर पर ला खड़ा किया है। तो वहीं दोस्तों हार्दिक पांड्या के अगर आंकड़ों की बात कर ही रहे हैं तो हम आपको बता दें कि हार्दिक ने आज 81 चौके भी पूरे कर लिए टी20 क्रिकेट करियर में और इतना ही नहीं उन्होंने आज 62 छक्के भी पूरे कर लिए टी20 क्रिकेट करियर में। हालांकि अगर वो 10 रन और बना देते तो वो डेवॉन कॉनवे, युवराज सिंह, केविन पीटरसन जैसे खिलाड़ियों को भी पीछे करने का जज्बा रख सकते थे, जैसा कि आप यहां पर लिस्ट में भी देख सकते हो। और अब आप सभी की क्या राय है हार्दिक पांड्या के इन रिकॉर्ड के बारे में और आप हार्दिक पांड्या के रिकॉर्ड को 10 में से कितने नंबर दोगे, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।